से लोकसभा के माध्यम से, लेकिन अपने बेसिक काम को नहीं छोड़ते, वह है उनका व्यापार। लेकिन सुरेंद्र सिंह नागर जैसे लोग जो राजनीति में आए और एक कोर व्यापारी परिवार से होने के बावजूद भी जो इनकी जनमानस की जो भावना रही, लोगों के जिस लोगों ने इन्हें जिता करके यहां भेजा, उनके प्रति जो उनका जो विश्वास था, जो उनके प्रति जो कमिटमेंट था, उन्होंने उसको उसी तरह से निभाया। ऐतिहासिक टावर था, धरारा कहते थे, बहुत ऊंचा टावर था, वो ध्वस्त हो गया। उसके आसपास के, उसके उत्तरी भाग के शहर के बहुत से घर गिर गए हैं। इतना earthquake of the magnitude 7.5 was observed. नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। जी हां, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम में आज हम आपको दिखाएंगे नेपाल और भारत में भूकंप से आई तबाही की तस्वीर को, और इस तस्वीर के साथ साथ हम आपको भूकंप के भूगोल के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस भूकंप नेपाल में आए इस भूकंप से का असर भारत में कहां कहां पड़ा और इस भूकंप से क्या क्या नुकसान हुए, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भूकंप के नुकसान को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में हमारे कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे टिप्स कि भूकंप से कैसे बचाव करना चाहिए और यदि भूकंप आ गया तो उस दौरान हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमारे कुछ दर्शकों ने भी हमें व्हाट्सएप से कुछ तस्वीरें भेजी, उन तस्वीरों को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही तबाही की ऐसी तस्वीर आज से 81 साल पहले भी दिखे थी, जब नेपाल में इससे भी कुछ ज्यादा तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे और उस समय भी इसका असर भारत पर दिखा था। भूकंप के भूगोल पर चर्चा करने से पहले हम आपको चर्चा में भाग लेने वाले मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे जेएल गौतम, जो कि भारतीय मौसम वैज्ञानिक के ऑपरेशन सिस्मोलॉजी के प्रमुख हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ सीके हरिप्रसाद भी भूकंप वैज्ञानिक हैं, वो जुड़ेंगे। और इसके अलावा फोन लाइन पे हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ जुड़ेंगे, जिनमें बिहार से मधुबाला जी जुड़ेंगी, और इसके अलावा जो दिल्ली से हमने आरएल दत्ता को बात किया है, आरएल दत्ता भी हमसे जुड़ेंगे, विपुल आहूजा, एके शुक्ला और राजा रमन भी हमारे साथ जुड़ने की, हम इन सारे मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और इनके जरिए जो भूकंप से बचने के क्या उपाय हैं, भूकंप अगर आ जाए तो इस दौरान किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम भूकंप का भूगोल। खिसक गई जमीन, फट गई धरती, गिर गया आसमान, भूकंप के झटके से तबाह हो गई जिंदगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नेपाल की कुछ तस्वीरें, वहां तबाही की जो तस्वीरें सामने आई है। हालांकि ये तस्वीरें हमारे पास देर से पहुंची है क्योंकि इस भूकंप के बाद जो है जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर से पहुंची। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे नेपाल से आई हैं हमारे पास, और ये अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आप चर्चित हो चुकी हैं। सीधे वो तस्वीरें हमारे पास आ रहा है। अभी भी आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें
अभी भी हमारे पास आ रही है, लगातार तस्वीरें आ रही है, लेकिन चूंकि टेलीफोन लाइंस जो इंटरनेट की लाइंस हैं वो सारे डिस्टर्ब हैं इस घटना की वजह से, इस भूकंप की वजह से, जिसकी वजह से सीधे तौर पे सीधे जो क्लीन फुटेज है वो हमारे पास आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो सोर्सेज हैं नेपाल में उनके जरिए हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं उनसे, और लगातार तस्वीरें हमारे पास आ रही है। जैसे जैसे ये इस प्रोग्राम के बाद भी हमारे पास जिस तरीके से ताज़ा तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाएंगे, और लगातार ये प्रोग्राम आप देखते रहिए, इस प्रोग्राम के जरिए भी हम आपको तरह तरह की तस्वीरें जो हमारे पास आई है वो आपको हम दिखाते हैं। ये वो ऐतिहासिक मीनार है जहाँ पे आप कहें जो दो दो तीन तीन फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, इस पर अमिताभ बच्चन ने भी यहाँ शूटिंग करी थी, अक्षय कुमार ने भी यहाँ शूटिंग करी थी। काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है, काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से नेपाल के प्रमुख पर्यटन मैप पे ये जगह देखा जाता, लेकिन अभी ये जो तस्वीर यहाँ दिख रही है बिल्कुल कहें जो मिट्टी में बिल्कुल मिल चुकी है ये तस्वीर जो आपको बता रही, वहाँ से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है नेपाल में। आपको बता दें कि जिस मीनार की बात अभी मुकेश कर रहे थे वो मीनार नेपाल का कुतुब मीनार कहा जाता है, और अब वो ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से। आपको बता दें कि जिस वक्त ये दर्दनाक घटना घटी उस वक्त इस मीनार को देखने के लिए 100 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मीनार देखते ही देखते कुछ सेकेंड में ही, कुछ मिनट के अंदर ही एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर भारतीय दूतावास की बात करें तो भारतीय दूतावास में भी क्षति हुई है, और आपको बता दें कि जो ये दर्दनाक हादसा हुआ उसकी कुछ लोगों ने मोबाइल से फुटेज भी बनाई, जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दहशत के वो पल लोगों ने बड़ी ही मुश्किल के साथ जिए हैं और अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश की है। फिलहाल ये नेपाल की तस्वीरें हैं जी, अब हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इस नेपाल में आए इस भूकंप का असर भारत में कहां कहां दिखा। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में आए इस भूकंप का असर भारत के किन किन इलाकों में दिखा। यह पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक जो है सीधा असर देखा गया इस भूकंप की, और उसकी तीव्रता थी 7.5। हालांकि 81 साल पहले नेपाल में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसकी तीव्रता 8.0 थी, इससे भी ज़्यादा तीव्र थी वो झटके, इससे भी ज़्यादा तेज थी, ज़्यादा तीव्र थी, और इससे नुकसान भी उस समय इससे कुछ ज़्यादा दिखा था, और उस समय भी इसका असर भारत पर दिखा था। इसके झटके लाहौर, अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी देखने को मिले हैं, पाकिस्तान के पंजाब और लाहौर में भी झटके महसूस किए गए हैं, बांग्लादेश में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा यदि नुकसान की बात करें जो इस नेपाल में आए इस भूकंप से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो भारत में बिहार में दिखा है, और खासतौर पर उत्तर बिहार का एक इलाका है जो काफी प्रभावित रहा है, 25 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर, और अगर नेपाल की बात करें तो करीब 1000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन बिहार में 25 लोगों की मौत हो गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजधानी पटना की है, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं जो आप सीधे तौर पर यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे दर्शक ने भेजी, हमारे एक दर्शक ने भेजी है, अपने मोबाइल से शूट किया हुआ ये तस्वीर जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे तक पहुंची थी, और कुछ ईमेल के जरिए भी कुछ तस्वीरें हमारे तक पहुंची हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास लखनऊ से, देहरादून से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, उत्तराखंड से, देश के विभिन्न इलाकों से हमारे पास ये तस्वीरें लगातार पहुंच रही हैं, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफरा तफरी का माहौल है, आप देखें जिस तरीके से जब भूकंप है करीब जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत हुई है, जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया कि करीब 2 से 3 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए थे, काफी तेज झटके थे, और पहली बार बहुत सारे लोग ऐसे दिखे जिन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरीके का झटका महसूस किया। जी वाकई मुकेश, बिहार और नेपाल में जिस तरीके से क्षति जो है देखने को मिली है, अगर बात करें बिहार में भी 25 से ज्यादा लोगों की मौत
हो चुकी है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए। खुद मैंने भी ये झटके महसूस किए और काफी तीव्रता के साथ ये भूकंप आया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने ऑफिस और घर को छोड़कर खुले मैदान में आ गए, ताकि किसी भी तरह की अगर ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा झटके तेज महसूस किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बचाव का रास्ता जो है वो लोगों की तरफ से खोजा जा रहा था, जैसे कि हम इसमें भी देख पा रहे हैं। इस झटके के बाद से सरकार ने भी लगातार तत्काल जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई थी मोदी सरकार ने, और उस कैबिनेट की बैठक में नेपाल को तत्काल मदद, राहत पहुंचाने और राहत भेजने पर फैसला किया गया। और उसके बाद हिंडन एयरबेस से एक एयरबेस भी अब तक पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, नेपाल पहुंच चुका है मदद की सामग्री लेकर के। स्निफर्स डॉग भी यहां से भेजे गए हैं, ताकि वो सूंघ कर पता कर सके कि मलबे में कहां पर जीवित व्यक्ति बचे हुए हैं और उनको बचाया जा सके। तो एक तरीके से जो पड़ोसी देश का जो फर्ज होता है, भारत ने तत्काल उसे दिखाते हुए राहत सामग्री भेज दी है। और यह भी कोशिश की जा रही है, करीब जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक करीब 100 से ज्यादा लोग जो है वहां प्रभावित हुए हैं, भारतीय लोग जो कि नेपाल में प्रभावित हुए हैं। आपको बताना चाहूंगे मुकेश, 125 लोग जो है वो अभी भी फंसे हुए भारतीय हैं वो। और साफ तौर पर अगर बात करें उनके ताल्लुकात की, तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। बिल्कुल, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी तत्परता दिखाई है, करीब 250 लोगों को निकाल करके भारत भी लाया जा सका है। हमारे साथ डॉक्टर मधुबाला जी जुड़ गई हैं, जो कि आपदा प्रबंधन की परियोजना पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। मधुबाला जी स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम वंदे मातरम में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मधुबाला जी, बताएं जिस तरीके का विनाशकारी भूकंप जो है अभी देखने को मिला है, काफी तीव्र झटके महसूस किए गए हैं, जो तबाही होनी थी वो तबाही तो हो चुकी, अब लोग किस तरीके का प्रिकॉशन ले ताकि भविष्य में या जब भूकंप के झटके दिखे तो किस तरीके से बचाव करें, अपना भी और सामान का भी और दूसरे का भी, किस तरीके के प्रिकॉशंस तत्काल लिए जाने चाहिए? एक तो सबसे पहले मेरा ये आग्रह होगा सारे लोगों से, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि वो संयम बरतें, घबराएं नहीं, पैनिक नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर जो मौतें होती हैं वो पैनिक होने की वजह से, घबराहट की वजह से। अगर आप ऊंचे घरों में हैं तो आप लिफ्ट का कृपया प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग भी आप ना करें, आप जहां हैं वहीं शांति से किसी मजबूत चीज के अंदर झुके, सर को ढके और मजबूती से वो, चाहे वो टेबल हो या पलंग हो, उसके अंदर उसके पायों को पकड़ ले, और जब वो झटका कम हो जाए तब आप क्रम से शांत भाव से नीचे उतरे और खुले जगह पे चले जाए। खुले जगह पे जाने के बाद एक और ये हिदायत दी जाती है कि वहाँ कोई बिजली के तार या बड़े पेड़ ना हो या बड़ी इमारतें ना हो, तो ये छोटी छोटी सावधानियां हम बरतें, हम बिल्कुल घबराए नहीं। ये लोगों से अपील है मेरा, क्योंकि घबराहट की वजह से, पैनिक होने की वजह से, स्टैम्पिड भगदड़ होने की वजह से ज्यादातर लोगों को क्षति और नुकसान पहुंचता है। अब घरों में है तो 3-4 चीजें ऐसी हैं, जैसे कि आप किसी भारी सामान, आलमीरा जो है उसके पास ना खड़े रहें, आप कांच की खिड़की के पास खड़े नहीं रहें, बिजली की आपूर्ति को बंद कर दें, दीवारों के कोने में आप खड़े हो जाएं, आप काम करने की जगह पर अगर आप हैं तो करीब में आलमीरा ना रखें। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियों को हम बरत सकते हैं और उससे हम काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। जी मधुबाला जी, ये तो प्रिकॉशंस हैं जो लोगों को लेने चाहिए, लेकिन जब तबाही हो जाती है, जब जो मकान है वो मलबे में तब्दील हो जाता है, उस समय जो बचाव कार्य किए जाते हैं, तो उस समय आप लोग किस तरीके का सुझाव देते हैं, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है जो मलबे में दबे हुए जीवित व्यक्ति की रहने की आशंका की आशा जो है वो जीवित रहे, वो मलबे से किस तरीके से निकाला जाए, क्या उस समय भी कोई स्पेशल प्रिकॉशन दिखाया जाना चाहिए लोगों की तरफ से? मलबे में अगर कोई दब गए हैं तो अभी भी आवाजें जो हैं वो आती रहती हैं, और इसके लिए पूरी फोर्स जो है, रिस्पांस फोर्स जिसे हम प्रतिक्रिया दल कहते हैं, उन्हें लगा दिया गया है, और उस हिसाब से अगर मलबे में कोई जगह फंस गए हैं तो कृपया घरों के अंदर कोई भी ऐसी चीजों को ना छुएं जो कि खतरनाक हो सकता है, जैसे बिजली की तारों की अगर हम बात करें, किचन के अंदर गैस कनेक्शंस की हम बात करें, तो ये सब प्रिकॉशंस जो हैं हमें लेने चाहिए। और आप आवाज अगर मलबे में हैं तो जरूर बच्चा की आवाज तो आती ही है, उसके द्वारा भी वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो और NDRF SDRF ये सब यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार में, उनको लगा दिया गया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है किस तरह से मलबे के अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके।
मधुबाला जी, जिस तरीके से सारी चीजों पे सरकार देती है, एक तरह से जागरूकता अभियान चलाती है, जागरूक करती है जनता को, लेकिन डिजास्टर के मौके पे ऐसा देखा गया है कि जब कोई डिजास्टर हो जाता है उसके बाद तो सरकार तत्पर दिखती है, लेकिन जो सामान्य दिनों में इस तरीके का जो है जागरण का या लोगों को जागरूक करने का प्रयास नहीं करती है। क्या आप लोगों की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया जाता है समय समय पे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और इस तरीके की जो घटना है उससे कम से कम नुकसान हो ये तय किया जा सके? जी मुकेश जी, मैं आपको बता दूं, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में लगातार ऐसी प्रयास जो है वो हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही है। हम हर वर्ष, ये देश में पहली बार ऐसा है कि 15 जनवरी से आने वाले जो सप्ताह होते हैं 22 जनवरी तक, हम उसे भूकंप सुरक्षा सप्ताह के रूप में लोगों को हर उस अंतिम व्यक्ति तक जागरूकता पहुंचाने के लिए उसे हम मनाते हैं। और 15 जनवरी इसलिए क्योंकि 1934 का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप जो कि बिहार और नेपाल का भूकंप था वो 15 जनवरी को ही आया था और उस 15 जनवरी को हम ये करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी पहली बार पूरे देश में, पहली बार बिहार में हम लोगों ने एक मुफ्त भूकंप सुरक्षा परामर्श केंद्र खोला है जो कि एनआईटी परिसर में है, वो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सहयोग और वहाँ की जो फैकल्टीज मेंबर है वो। मैं आपको बता दूं कि अभी भी लोगों में वो जागरूकता नहीं आई है कि वो वहाँ जाकर और मुफ्त में परामर्श ले सके। लोग वहाँ पे कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं। आप अगर नए घरों का निर्माण कर रहे हैं तो वो भूकंप से सुरक्षित कैसे बने, अगर आप पुराने घरों में हैं तो उसकी रेट्रोफिटिंग कैसे की जाए, वहाँ पे लोग बैठे हैं जो कि प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को दिन के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वहाँ के स्टूडेंट्स एनआईटी के फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो उसे करते हैं। लेकिन अभी भी लगातार हम लोगों की ये कोशिश, हमारा ये प्रयास, अभी भी वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसके अलावे हम लगातार, चाहे वो जनवरी हो, क्योंकि भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आईसी के रूप में। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रोफेसर ए सार्या जो दुनिया के जाने माने भूकंप अभियंत्रिकी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये तक एक असेसमेंट किया है कि अगर 1934 के अर्थक्वेक का रिपीटेशन होता है तो प्रत्येक प्रखंड में, बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने डैमेजेज हो सकते हैं, कितनी जाने जाती। बिल्कुल मधुबाला जी, धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका और इस वंदे मातरम प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मधुबाला, डॉक्टर मधुबाला जो कि बता रही थी और काफी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है और काफी जो टिप्स दे रही थी, अगर उनको फॉलो किया जाए तो निश्चित तौर पर जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है। और अभी हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने जो है वो, उन्होंने भी तत्काल बाद देश को संदेश दिया और कैबिनेट की बैठक के बाद से उन्होंने नेपाल में जो इस हादसे में जितने लोगों की मौत हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और राहत सामग्री जल्द से जल्द भेजने की बात करी है। आंदोलित करने वाला दिन है, भयंकर भूकंप ने मानव मन को बड़ा परेशान किया हुआ है। पता नहीं कितना भयंकर नुकसान हुआ होगा, अभी तो जानकारी आ रही है। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से बात की और विश्वास दिलाया है कि सवा सौ करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस भयंकर हादसे को सहने की परमात्मा ताकत दे। जिन परिवारजनों पर आपत्ति आई है उनको शक्ति दे। भारत में भी कम अधिक मात्रा में कुछ न कुछ प्रभाव हुआ है, उनके प्रति भी मेरी संवेदना है।
और आइए आपको सुनाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह से आंकड़े पेश किए और क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर। 24 घंटे तक संभावना बनी रहती है आमतौर पर कि और झटके आ सकते, तो अभी जो सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों को एहतियात बरतना। अगर कोई इमारत उनको लगती है कोई कमजोर है उसमें जाना नहीं चाहिए, और कोई भूकंप के कारण कोई मकान क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए। बाहर और खुले में रहने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर किसी कारण से घर के अंदर हैं तो कई उसके लिए प्रिकॉशन है कि कोई मिट्टी का चौकी है, कुछ भी है, ये मिट्टी का घर है लेकिन घर में अगर चौकी भी है या और भी कोई पक्का घर भी है, घर में चौकी है या और कोई लकड़ी का चीज है या कोई मेज है, तो उसके नीचे तत्काल जाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से कई प्रिकॉशन है जिसके बारे में हमारे प्रधान सचिव व्यास जी आपके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने कि क्या एहतियात बरतना चाहिए। मैंने तो एक दो बार कही, अब जैसे ऐसी स्थिति में आप जानते ही हैं तत्काल बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। उसके बारे में अभी आपको एक एक करके सिलसिलेवार सब चीज बता देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है, और आइए आप आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों आता है भूकंप और भूकंप जब आता है तो किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो आपको बता दें कि धरती की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव की वजह से भूकंप आता है। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है और इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेटें इसी लावे पर तैर रही हैं और इसके टकराने से जो ऊर्जा निकलती है इसे भूकंप कहते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से भूकंप आता है और क्यों आता है। और आपने देखा कि आपने को बताया कि हमने कि किस तरह से भूकंप आता है, आखिरकार किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से डेंजर जोन है भूकंप जहां आ सकता है। जी हाँ, भारत में कौन सा क्षेत्र खतरे में है भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 5 जोनों में विभाजित किया गया है। जोन 2 की बात करें तो दक्षिण भारत के क्षेत्र जो कि सबसे कम खतरे वाला है। जोन 3 मध्य भारत का क्षेत्र है, ये जोन 2 के मुकाबले बेहद खतरनाक है। जोन 4 की बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत का तराई क्षेत्र ये भी खतरनाक जोन में आता है। जोन 5 हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र और कच्छ है जो सबसे खतरनाक जोन है। तो भारत में भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 5 जोन में विभाजित किया गया है। जोन 2 की बात करें दक्षिण भारत क्षेत्र जो कि सबसे कम खतरा है वहां। जोन 3 में मध्य भारत का क्षेत्र है जो कि 2 के मुकाबले कम खतरनाक है। और आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भूकंप से जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और आइए अब आपको बताते हैं कि जब भूकंप आता है तो उसे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से उसके बचाव किए जा सकते हैं, एहतियात बरती जा सकती है। जी हां, भूकंप आने पर फौरन घर या स्कूल से निकलकर सुरक्षित खुले मैदान में जाएं, बड़ी बिल्डिंग, पेड़ों और बिजली के खंभों से इस दौरान दूर रहना चाहिए। बाहर जाने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। और आपको बता दें कि अगर कहीं फंस जाएं आप तो बिल्कुल भी दौड़े नहीं, इससे भूकंप का ज्यादा असर होगा, बल्कि संयम बरतना होगा आपको जब इस तरह की स्थिति कोई सामने आती है। तो भूकंप आने पर खिड़की, अलमारी, पंखे, ऊपर रखे भारी सामान से दूर हट जाएं ताकि इनके गिरने और शीशे टूटने से चोट ना लग सके। इसके साथ ही टेबल, बेड, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं और उसके लेग्स कसकर, अपने लेग्स को कसकर पकड़ लें ताकि किसी तरह की आप टेक आपको मिल सके। वहीं कोई मजबूत चीज ना हो तो किसी मजबूत दीवार से सटकर शरीर के नाजुक हिस्से जैसे सिर, हाथ आदि को मोटी किताब या किसी मजबूत चीज से ढककर घुटने के बल अपने टेक लगाकर बैठ जाएं। साथ ही खुलते और बंद होते दरवाजे के पास ना खड़े हों, वरना आपको
चोट लग सकती है। तो ये सब एहतियात आप बरत सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गाड़ी में है तो बिल्डिंग होर्डिंग्स खंभे फ्लाईओवर पुल आदि से दूर सड़क के किनारे या खुले मैदान में गाड़ी रुकवा लें और भूकंप के रुकने का इंतजार करें। तो ये सब जो सावधानियां हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके सामने कभी इस तरह की स्थिति आती है तो इन जो बिंदु हमने आपको बताया उन पर अमल करके आप कहीं ना कहीं काफी हद तक जो ये स्थिति पैदा होने वाली होती है उससे आप अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं भूकंप के झटके अगर आपको महसूस होते हैं। और आइए आपको सुनाते हैं जिस तरह से नेपाल और भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कुछ कहना है। भारत की तरफ से भरपूर सहयोग के लिए आश्वस्त किया है, भी अधिकतम सहायता है वो भारत के द्वारा नेपाल को भेजी जा रही है। भारत के अंदर भी कुछ राज्यों में डैमेज होने की संभावनाएं प्राप्त हो रही हैं, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर बतला पाना भी कठिन है। कहीं जानकारी 10 की मिल रही है, कहीं 12 की, 14 की, 15 की, पूरे उत्तर भारत में, तो अभी एग्जैक्ट फिगर बतला पाना कठिन है। एनडीआरएफ अलर्ट है, कुछ एनडीआरएफ मूव भी कर चुकी है, यह सब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। जी हाँ, ये थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह जो नेपाल को जो सहायता भेजी गई है उसके बारे में सूचना दे रहे थे। अब साथ में हमारे पास लगातार मोबाइल से भी कुछ विजुअल्स आ रहे हैं जो नेपाल से भी आ रहे हैं और भारत के विभिन्न इलाकों से भी आ रहे हैं जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो देखते हैं उन्हीं क्लिपों में से कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स है वो आपको हम दिखाते हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है और ये व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजी गई है कि किस तरह से जब भूकंप के झटके आए तो लोग किस तरह से बाहर की तरफ भागे हैं। और साथ ही हम आपको कुछ और वीडियोस दिखाएंगे जो वाकई काफी दिल दहला देने वाली हैं। और लोग, ये देखिए, लोगों ने अपने मोबाइल से बनाकर हमें भेजी है। दहशत के वो पल हैं जिसमें लोगों ने खुद मोबाइल पर ये वीडियो बनाई है और हम तक पहुंचाई है। जी देखिए, ये तस्वीर हम आपको घर की दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग फिर जब ये माहौल बना। ये व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई थी तस्वीर रचना जी, जो बिल्कुल ये भारत की, ये मुझे लग रहा है ये भी सीसीटीवी फुटेज की फुटेज है जो हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए ही आई है ये तस्वीर। कितने जोर के झटके महसूस किए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल तेज तूफान, लेकिन मोटी दीवार है। हमारे साथ जीएल गौतम जी की भारतीय मौसम विभाग के ऑपरेशनल सिस्मोलॉजी के प्रमुख है, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे लिए स्वागत है गौतम जी, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। धन्यवाद गौतम जी। बताएं, जिस तरीके से ये तबाही आई है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग आकर के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी आकर के प्रिकॉशन किस तरीके से लेने चाहिए ये भी बता रहे हैं और किस तरह से नुकसान कम से कम हो ये भी जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं, लेकिन लोग जानते बूझते जब विपदा आती है तो उस समय उन्हें याद नहीं होता है कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्या प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए। क्या आपको लगता है जो ऐसी स्थिति में कोई कुछ ऐसी चीजें भी इजाद करनी चाहिए जिससे लोगों का नुकसान कम हो सके, जान माल की कम क्षति हो? देखिए, अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थक्वेक से बिल्डिंग गिरती है और बिल्डिंग से लोग मरते हैं, तो बिल्डिंग हम जितनी मजबूत बनाएंगे, उसमें पिलर डालेंगे और अर्थक्वेक नॉर्म्स के हिसाब से बनाएंगे और उसमें बीम्स डालेंगे तो उतने ही हम सेफ रहेंगे। बिल्कुल, बिल्डिंग तो सेफ रहेंगी, लेकिन लोग जो घर में हैं, घर में क्या उनको बिल्डिंग यदि सेफ है, उनको पता है कि ये बिल्कुल सारे नियम कानून और सिस्मोलॉजी प्रूफ, ये भूकंप प्रूफ यदि मकान है, तो क्या लोगों को घर में ही रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए वहां से? नहीं, अगर अर्थक्वेक वो फील कर रहे हैं तो वो तुरंत ओपन में चले जाएं, लेकिन अर्थक्वेक जाने जैसे फील खत्म हुआ उसके बाद आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही भूकंप से उनको डर रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो भूकंप है, जैसे आज का भूकंप देखिए जो 7.9 मैग्नीट्यूड स्केल का जो था सुबह,
उसके बाद आफ्टर शॉक्स कुछ देर तक आते रहते हैं, तो कमजोर बिल्डिंग्स तो उसमें भी गिर सकती हैं, तो जहां दरारें हैं या कमजोर बिल्डिंग्स हैं उनमें नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर आरसीसी से बने हुए, जिसमें अर्थक्वेक नॉर्म से बने हुए हैं, उसमें आप रह सकते हैं। बिल्कुल, आपको गौतम साहब एक सवाल यहाँ उठता है कि जो नए मकान बनाए जा रहे हैं उसमें तो सरकार ने ये नियम ही बना दिया है कि बिना जब तक भूकंप रोधी तकनीक नहीं हो तब तक बड़ी बिल्डिंगें जो ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं वो नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंगें हैं और खासतौर पर अगर दिल्ली की ही बात करें तो आप बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफी कंजस्टेड है, एक दूसरे से इमारतें सटी हुई है, रोड भी काफी संकरी है, वैसी स्थिति में अगर वहां पर भूकंप, चूंकि दिल्ली भी उसी जोन में आता है, भूकंप जोन में आता है, अगर वैसी जगह पे अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, अगर वहां बिल्डिंगें गिरती हैं, तो लोगों को कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, वहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? झटका अगर पहली बार महसूस किया जहां अब लगता है भूकंप आ रहा है, बिल्डिंग गिर सकती है, तो पहला प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप खुले में जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अदरवाइज तो जो आपके बिल्डिंग में कहीं पिलर है या कुछ ऐसी मजबूत कोना है उससे आप खड़े होकर अपने सिर को कवर करते हुए आप खड़े रह सकते हैं। वहाँ अपने सिर को जरूर कवर करना है, लेकिन या हार्ड टेबल के अंदर नीचे या हार्ड बेड के नीचे छुप सकते हैं आप। गौतम जी, क्या कोई ऐसी तकनीक भी है जिससे पहले पता कर सके कि भूकंप जो है अब आने वाला है, तो प्रिकॉशन, क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं पशु पक्षियों को जो है पहले से आभास हो जाता है कि ये भूकंप आने वाली, आपदा आने वाली है, तो वो तो पहले निकल के चले जाते हैं, तो क्या उस तरीके के कोई संकेत है जिसको फॉलो करना चाहिए, आदमी को भी फॉलो करना चाहिए ताकि नुकसान कम हो? क्योंकि रोका तो नहीं जा सकता भूकंप को, ये बात तो तय है, रोका कैसे जा सकता है इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण का हम नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण के नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करते, उसके कारण भी भूकंप एक जो है कारण है भूकंप के आने का, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन जिस तरीके से पशु पक्षियों को पहले से आभास हो जाता है कि अब भूकंप आने वाला है तो वो निकल जाते हैं सुरक्षित जगह की ओर, क्या इस तरीके का कोई तकनीक है जो इजाद किया जा सकता है या आभास किया जा सके? नहीं, अभी तक पूरे विश्व में ऐसी कोई तकनीक आज तक अभी नहीं ईजाद हुई है जिससे कि आप इस समय इतना बड़ा अर्थक्वेक और इस रीजन में जी आ सकता है। हालांकि हम लोग जैसे जोन्स हमने डिवाइड किया हुआ है इंडिया को 4 जोन्स में, तो ये जो इलाका है जहां आज आया है भूकंप, वो पूरा हिमालयन रीजन जो है वो जोन 4 और जोन 5 में है, जो कि हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जी। यानी कि किसी भी तरह का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता भूकंप का? नहीं, पूर्वानुमान अभी तक संभव नहीं हो पाया है। गौतम जी, ये जो नेपाल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपको इसकी मुख्य वजह क्या लगता है, ये किस वजह से आई है ये भूकंप? अगर एग्जैक्टली पूछे आपसे एक्सपर्ट की तरह, तो किस वजह से ये भूकंप आई है? बिल्कुल, आप देखिए, जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। बिल्कुल, तो पूरा हिमालयन रीजन उसी की वजह से ये जो कोलाइड हो रही है दोनों प्लेट, तो उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आते हैं भूकंप के, जो जितने भी हिस्ट्री में भी आए हैं, जैसे बिहार और नेपाल बॉर्डर रीजन पे आया था 1934 में 8.4 का अर्थक्वेक, या 8.3 भी कुछ लोग बताते हैं, तो हमारे यहाँ 8.3 है हमारे कैटलॉग में, तो उसकी वजह से भी बहुत उस टाइम में नुकसान हुआ था। तो ऐसे ही 1905 में कांगड़ा अर्थक्वेक आया था, वो भी कांगड़ा के पास आया था जी। तो इस तरह से हिमालय में बहुत अर्थक्वेक आते रहते हैं जी। गौतम साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो भूकंप रोधी तकनीक है, आजकल हर जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो कितनी कारगर साबित होती है और कितने स्केल पर, जिस तरीके से आज जो भूकंप की तीव्रता मापी गई वो 7.7 के आसपास रही, तो कितना जो रिक्टर स्केल पर पैमाना है उसका वो सह सकती है? हमने 7.9 दिया है, तो आप देखिए, जितने भी बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे जो अर्थक्वेक नॉर्म से बनी है, वो बिल्डिंग्स एकदम से कोई भी अर्थक्वेक में एकदम से धराशायी नहीं होती जी। बिल्कुल बिल्कुल, गौतम साहब आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और हमारे जो गेस्ट, हमारे एक एक्सपर्ट पीयूष रौतेला हमारे साथ जुड़ गए, निदेशक है आपदा प्रबंधन उत्तराखंड के। रौतेला साहब, आपका स्वागत है वंदे मातरम में। धन्यवाद सर। रौतेला साहब, ये बताएं
उत्तराखंड में इससे पहले जो है काफी बड़ा हादसा हुआ है, काफी बड़ी विपदा आई थी और उससे आप लोगों ने काफी तत्परता से, काफी सफलतापूर्वक आप लोगों ने उससे निपटारा किया और काफी जानें बचाई थी आपने। जिस तरीके से नेपाल में ये हादसा हुआ है, क्या आपको लगता है ये उसी तरीके का हादसा है और उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट को काफी एक्टिव होकर के काम करना चाहिए, जो कि नेपाल में इसकी कमी दिख रही है? नहीं, यहाँ पर जो हुआ उत्तराखंड में और वर्तमान में जो काठमांडू में हुआ है या नेपाल में हुआ है, वो दोनों अलग अलग प्रकार के हादसे हैं। पहले तो हम उन दोनों को परस्पर कंपेयर नहीं करें और उनके साथ ये ना कहें कि वो लोग प्रिपेयर्ड थे, वहाँ पे एनसेट है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दो अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस के लिए बहुत लंबे समय से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि, परंतु प्रकृति ने हमें चौंकाया है और इतना बड़ा जो मैग्नीट्यूड भूकंप का है उसमें हम कुछ भी कर लें, जो हमारी बनाई हुई इमारतें हैं उनका गिरना तय है और उससे होने वाले जो नुकसान को है हम कैसे कम कर सकते हैं वो देखने वाली हमारी बात है। अच्छा, अभी रोतेला साहब आपसे रुकेंगे, हमारे एक दर्शक हैं जो कि हमारे जो एक्सपर्ट जेएल गौतम हमारे साथ स्टूडियो में है, दिल्ली में, माफ कीजिएगा, दिल्ली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं। जी पूछें। क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, है आवाज नहीं मिल पा रही है उनको। खैर, हम गौतम साहब के बाद फिर से चलेंगे। गौतम साहब, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जिस कारण से नेपाल में भूकंप आया उसका असर इंडिया में भी देखने को मिला है, भारत में भी देखने को मिला है, आपको क्या लगता है एक समय अंतराल के बाद, जैसा कि भी बताया कि 24 घंटे अगर झटके अभी आए तो 24 घंटे के भीतर फिर से संभावना होती है कि फिर से दोबारा झटके आए, क्या ये हमेशा होता है या एक रेगुलर फीचर नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है? और जिस तरीके से नेपाल में 17 झटके आए लगातार एक के बाद एक, क्या यह भी लगातार एक रेगुलर फीचर है कि एक एक झटके के बाद जब विनाशकारी, जब तीव्रता ज्यादा होती है तो झटके ज्यादा आते हैं या एक ही साथ झटका तेज आता है? बताया, जब भी कोई मेजर अर्थक्वेक आता है, ग्रेट अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक आता है, ग्रेट अर्थक्वेक, उसके बाद कई दिनों तक, इवन कई महीनों तक या किसी किसी केस में कई सालों तक भी चलते रहते हैं, वो आफ्टर शॉक बोलते हैं इनको हम। तो ये अभी तक 18 हो चुके हैं हमारे केस में भी और ये 4.0 से लेके और 6.6 के बीच में है मैग्नीट्यूड। तो आप तो सही कह रहे हैं, अभी वो चल रहे हैं, चलते रहेंगे और कुछ दिनों तक। बिल्कुल गौतम साहब, एक चीज और है कि दिल्ली भी कहते हैं कि भूकंप के मुहाने पे है, झटके पे बिल्कुल कहे, जो खतरा जो है दिल्ली में भी उतना है, उतना ही है जितना कि नेपाल में है। तो वैसे में आपको, आप कितना खतरनाक मानते हैं और भारत के किस किस ऐसी, कौन कौन सी ऐसी जगह है अपने देश में जो भूकंप की दृष्टि से जो है सेंसिटिव है और खतरनाक है, जहां पर लोगों को पहले से इस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में जानकारी हासिल करके रखना चाहिए कि यदि भूकंप आए तो किस तरीके से बचाव करना चाहिए? कौन कौन से वैसे इलाके हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के और पूरे देश में, खासतौर पर यदि उत्तर भारत में आप बता सकें तो आप हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, हमने भारत को 4 जोनों में बांटा हुआ है, जोन 5, 4, 3 और 2। तो जोन 5 जो है वो हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जिसमें कि आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स, होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ J&K और कच्छ रीजन, ये सब जोन 5 में है। और उसके बाद जो उसके अलावा हिमालयन रीजन पूरा वो जोन 4 में है। तो जोन 4 और 5 में आप कह सकते हैं पूरा हिमालयन रीजन है। तो इसमें पूरा हमको सावधानी बरतनी चाहिए पूरे हिमालयन रीजन में। गौतम साहब, हमारे साथ एक दर्शक हबीबा जी जुड़ी है जो आपसे कुछ पूछना चाह रही है। हबीबा जी पूछिए सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई फील्ड वगैरह नहीं है, चारों तरफ बिल्डिंग और पोस्ट वगैरह हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? चारों तरफ कोई जगह फील्ड नहीं है, कोई ओपन नहीं है स्पेस? नहीं, कोई पोर्शन ऐसा नहीं है, हर जगह पोस्ट वगैरह और बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि आपको अपने
अपने घर में ही जो कोना है या पिलर्स होंगे आपके घर में उनसे सटके अपने सिर को कवर करते हुए या हार्ड टेबल के अंदर या हार्ड बेड के नीचे इस तरह के जो जो आपके शरीर को नुकसान कम पहुंच सके जहां वहां पे आप छिपे रह सकते हैं। अगर घर कमजोर है तो घर कमजोर है तो देखिए वो तो आपको उसको रेट्रोफिट या दोबारा बनवाना चाहिए उसका तो कोई नहीं लेकिन वो तो बात की प्रॉब्लम है अभी अर्थक्वेक आया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए तो आपको बेहतर है कि आप घर अगर कमजोर है तो आप कहाँ रहते हैं वैसे और हेलमेट वगैरह पहन सकते हैं नहीं अभी बाजी ये पूछ रहे हैं गौतम साहब पूछ रहे हैं आपसे कि आप रहती कहाँ पे हैं किस इलाके में आपका घर है जी मैं तो बलिया में रहती हूँ ये बलिया में रहती हैं गौतम साहब हाँ अच्छा बलिया में तो आप थोड़ा बाहर रह सकते हैं बलिया तो ऐसे मल्टी स्टोरी तो नहीं होंगी वहाँ पे कम से कम हेलो चलिए हबीबा जी शायद आपके जो आप जो जवाब चाहती थी वो गौतम जी से मिल चुका है कि कहीं ना कहीं सेफ स्थान जो है आपको ढूंढना होगा और आप किसी मजबूत बेड के नीचे छुप सकती हैं या किसी मजबूत टेबल के नीचे छुप सकती हैं अगर आपके आसपास कोई भी पार्क नहीं है कोई भी खाली मैदान नहीं है तो आप दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में अपनी राय रख सकते हैं अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं तो फोन करें देर के इस बात की नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं जेल गौतम साहब हमारे साथ बने हुए हैं उनसे एक सवाल और भी हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को और ये बताना चाहेंगे गौतम साहब यदि आपको सुन पा रहे हैं तो आप कृपया ये बताएं कि जिस तरीके से दिल्ली के बारे में ये जानते हैं हम लोग कि दिल्ली भी भूकंप के जोन के हिसाब से काफ़ी खतरनाक जोन पर बैठा हुआ है दिल्ली और बावजूद उसके दिल्ली में जो गगनचुंबी इमारतों का जो कहें जो लगातार बनते जा रहे हैं दिल्ली में भी NCR में आप देखें तो गगनचुंबी इमारतों का बनना बंद नहीं हो रहा है माना कि ये इमारतें भूकंप रोधी तकनीक के बाद लगाई जा रही है और उन तकनीकों को फॉलो करके बनाई जा रही है बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि इस तरीके की इमारतें अगर इस तकनीक को अपनाती है तो बिल्कुल भूकंप प्रूफ हो जाती है इसमें आप अगर बैठे हैं या रहते हैं तो बिल्कुल आप महफूज हैं नहीं देखिए ऐसा है कि वो भी कुछ हद तक ही विधायल रह सकती है ना ऐसा नहीं है कि 9 का अर्थक्वेक आ गया और वो खड़ी रहेंगे तो क्योंकि आप जोन 4 में इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आ सकता तो उसी हिसाब से वो लोग नॉर्म्स बताते हैं कि अगर 8 का अर्थक्वेक आ जाए तो वो उसको झेल सकते हैं जी तो इस हिसाब से वो लोग नॉर्म्स बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर बिल्डिंग सही नॉर्म्स है और सही तरीके से बनाई जा रही है तो होना चाहिए सेफ जी गौतम साहब मैं आपसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहती हूँ कि भूकंप रोधी तकनीक जिसके चलते आजकल इमारतें बन रही हैं तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं बिल्डिंग्स हैं वो सब लगातार उनका धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है क्या पैमाना होता है जिसको लेकर ये किया जाता है ये जानना चाहेंगे लेकिन गौतम साहब से सवाल पूछने के लिए एक और दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश जी पूछिए अपना सवाल सर नमस्कार जी हेलो नमस्कार जी अखिलेश जी पूछिए हाँ बताइए जी सर नमस्कार जी अखिलेश जी मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ हाँ नमस्कार अखिलेश जी बताइए हाँ नमस्कार आप अपना सवाल पूछना चाह रहे थे सर इधर भी भूकंप का झटका है सर इधर भी भूकंप का झटका है ठीक है जी आप बोलते रहिए अपनी आवाज सुनने की कोशिश मत कीजिए और अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए जी 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 सर हमारे घर भी झटका है सर बिल्कुल तो सर उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा जी, तो जी आज इस तरह का हादसा हुआ है जानना चाह रहे गौतम साहब की आज जिस तरह का हादसा हुआ है कल इस तरह की तस्वीर दोबारा सामने ना आए उसके लिए किस तरह से प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए इन्हें नहीं इनको देखिए अपने घर को जैसे मैंने बताया अर्थक्वेक नॉर्म्स के हिसाब से रेट्रोफिट भी होते हैं आजकल तो उस हिसाब से उसको बनवाना चाहिए मजबूत
बिल्कुल अखिलेश जी, हम लगातार, यदि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हम भी लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके का अगर भूकंप आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए ताकि नुकसान कम हो आपका इसके, और बार बार हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी आपको बता रहे हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किस तरीके से जो है इस तरीके के आपदा, इस तरीके के का अगर भूकंप यदि आपके इलाके में आता है, आप कहीं ना कहीं अगर उसमें फंसते हैं तो किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लगातार बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हमने बताया है रचना जी। मुकेश, इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वंदे मातरम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। रविशंकर जी पूछिए। जी सर, कह रहे हैं अगर अचानक भूकंप आए तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी, तो भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादातर लोगों का यही सवाल है गौतम जी, और ये एकदम ठोस उपाय जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन से ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर ये भूकंप से बच सकते हैं। जी नहीं, जैसे मैंने बताया, आपको अगर संभव है तो तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाइए खुले में, जैसे ही आप कोई अर्थक्वेक फील करें तो, क्योंकि देखिए अर्थक्वेक में दो वेव आती हैं, एक प्राइमरी आती हैं और एक सेकेंडरी आती हैं। तो प्राइमरी वेव्स आर अलर्ट वेव्स, उनको अलर्ट वेव्स भी बोलते हैं हम। जैसे ही झटके महसूस हों आप तुरंत निकल जाइए, क्योंकि दूसरे झटके और ज्यादा भारी आने वाले होते हैं ऐसे केस में, जैसा कि आज सुबह आया आपसे। जी रविशंकर जी, खुले में चले जाइए सबसे पहले तो ये है। जी रविशंकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही थी कि जिस तरह से भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल आजकल किया जाता है, लेकिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिरकार किस पैमाने पर आधारित होती है भूकंप रोधी तकनीक, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इसका पैमाना निर्धारित किया जाता है, किस तरह से एक बिल्डिंग को जो है एक भूकंप रोधी बनाया जाता है। देखिए, ये काम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है जी, जो आईआईटीज होती हैं इनमें डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग नॉर्म्स बनाते हैं, हम लोगों से डेटा लेते हैं, फिर और उनके तमाम पैरामीटर्स होते हैं उनके बेस पे वो लोग गाइड करते हैं, तो उनसे ही। और हमारे यहाँ तो केवल मॉनिटरिंग होती है, हम अर्थक्वेक्स बताते हैं कितना रिक्टर स्केल पे आया, कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ, कहाँ पे उसका एपिसेंटर रहा, इस तरह से जी। तो वो लोग बताते हैं कि किस तरह से बीम कितने चार मंजिल में कितने बीम पड़नी चाहिए, कितने बड़े पिलर पड़ने चाहिए, 20 मंजिल में कितने हिसाब से पड़ने चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। बिल्कुल गौतम साहब, बने रहिए हमारे साथ, अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास कुछ दर्शकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया भेजी है और खासतौर पे अपने अनुभव, जो पहली बार जिन्होंने भूकंप को एक्सपीरियंस किया है कल, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भेजे, हम आपको दिखाते हैं कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया जो कि लखनऊ से, दिल्ली से, आगरा से, बिहार से और देश के विभिन्न इलाकों से हमारे पास पहुंची है, पहले सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। अरे मैं तो, मुझे पहले तो लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहा है, पर यहाँ जो वर्कर्स है सब बोल हिल रही है बहुत जोर से, फिर हम लोग नीचे आ गए। मैंने तो ऐसा 25 साल में पहली बार देखा जो ये स्थिति हुई, हम लोग सब लोग नीचे बिल्डिंग में इकट्ठा हो गए, सब सेफ है, सब सेफ है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, सब सेफ है। बैठ के फोन पे बात कर रही थी, इतने में नीचे जब देखा ग्राउंड ऐसे मेरे को एहसास हुआ कि हिल रही है, इतने में मैंने फिर दूसरे को भी बताया तो एकदम पैनिक हो गया, और पंखा देखा तो पंखा हिल रहा था, मैं बाथरूम में एकदम से गई तो जितनी बॉटल्स रखी हुई थी बॉटल्स ऐसे ऐसे शेक कर रही थी, तो फिर इतने में देखा कि बिल्डिंग में पूरा पैनिक हो गया और सब लोग नीचे दौड़ रहे हैं, तो फटाफट हम लोग सब नीचे आ गए। एनीवे हमने तो बहुत मतलब कभी ऐसा देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन सच एन अर्थक्वेक, सुनते ही भूचम, पहली बार हमने इतना बड़ा भूचम देखा इन लाइफ, इतना कभी देखा है, मगर आधा 5 सेकंड 10 सेकंड इस टाइम तो 2 से 3 मिनट कम नहीं, वो तो ऐसी बैठी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, पहली बार दरवाजे खटखटाने लगे, वैसे सब ठीक ठाक है, बिल्डिंग हमारी बिल्कुल फिटफाट, कोई उसमें वो नहीं। तो देखा आपने लोगों का साफ तौर पर क्या कहना है कि कुछ लोगों ने पहली बार इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए हैं और कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ही डरे हुए थे, यहाँ पर लोग जैसे ही भूकंप के झटके लगे और वैसे ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि कभी भी जब इस तरह की स्थिति आपके सामने होती है, भूकंप के झटके अगर आपको जरा से भी महसूस होते हैं तो तुरंत किसी खाली मैदान की तरफ जाना चाहिए और बिल्कुल हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए, बिल्कुल भागदौड़ जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी सेफ कोने की तलाश करनी चाहिए ताकि आप सेफ रह सकें।
रचना खास तौर पे देखा गया है कि इस तरीके के जब इस तरीकों से जब इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले लोग जो है जो भी प्रिकॉशन से वो करना भूल जाते हैं। सबसे पहले मेरी सलाह है और हम सलाह देना चाहते हैं आपको कि आप संयम बरतें और बिल्कुल ही धैर्य ना खोएं और बिल्कुल संयम से जो चीजें हैं उनको याद रखें और आराम से हड़बड़ाहट में नहीं रहें। जब इस तरीके का मौका आए तो धीरे से भाग दौड़ ना करें। अगर आपको लगता है कि आप सीढ़ी से उतर नहीं सकते हैं, झटका तेज आ रहा है, तो अपने घर के ही किसी कोने को, सुरक्षित कोने में, किसी मजबूत टेबल को के नीचे या किसी बेड के नीचे जाकर, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट लगातार आपको बता रहे हैं, वो एक्सपर्ट जानते तो सभी हैं, खासतौर से अभी जो कुछ बाइट जो आपने सुनी, जो बयान हमारे पास दर्शकों के आए थे, उन्होंने साफ तौर पर वो खुशनसीब थे जिन्हें इस हादसे से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन उनको इस तरीके की तबाही से रूबरू नहीं होना पड़ा। तो इस तरीके की तबाही से आपको अगर कहीं रूबरू होना पड़े तो आप उस समय अपना संयम बना के रखें और जो प्रिकॉशंस हैं उसको लें सीधे तौर पे। जी, तो साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं ये। लोगों के दिलों में डर जरूर बैठ गया है इस भूकंप को लेकर। 7.7 की तीव्रता वाला ये भूकंप था। आपको बता दें कि काफी जान माल का नुकसान इस वक्त नेपाल में देखने को मिला है और तस्वीरें देख सकते हैं कि देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में जो इमारतें थी वो लगभग मलबे के ढेर में जो है तब्दील हो गई, जमींदोज हो गई, खड़ी की खड़ी मीनारें एकदम जमींदोज हो गई और इससे पहले लोग समझ पाते कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। जी, और इस वक्त हमारे साथ जेएल गौतम जी लगातार मौजूद हैं चर्चा के लिए। गौतम साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, रिएक्टर स्केल पर पैमाना मापा जाता है, किस रिएक्टर स्केल पर कितना, जिस तरीके से 7.7 की आज बात कही जा रही है, महसूस किए गए झटके कितना खतरनाक हो सकता है, किस पैमाने पर कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है? देखिए, आज का जो परिमाण था रिक्टर स्केल पे, जो मैग्नीट्यूड था वो 7.9 था। जी बिल्कुल, 7.9 ग्रेट, हाँ ग्रेट अर्थक्वेक होता है ये, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जैसा कि आपने देखा कितनी बिल्डिंग्स गिर गई हैं नेपाल में, इवन हमारे यूपी में भी और बिहार में भी काफी बिल्डिंग्स गिरी हैं जिससे कि लोग मरे हैं। तो 7.9 जहां तक सवाल है ये तो ग्रेट अर्थक्वेक है। और जो नुकसान जहां तक है, नुकसान तो देखिए अगर कमजोर बिल्डिंग है कहीं गांव में या कच्ची मिट्टी से और कच्चे उससे बना लेते हैं लोग, तो वो तो इवन 5.5 से भी गिर सकता है अगर उसी के पास एपिसेंटर है। तो 5 से ऊपर नुकसान उन बिल्डिंगों को भी हो सकता है जो छोटे मकान या बहुत ही कमजोर मकान होते हैं, जर्जर कंडीशन में होते हैं जो। बिल्कुल गौतम साहब, हमारे दर्शकों को जरा ये भी बता दें कि ये जो रिक्टर स्केल है इसको मापा कैसे जाता है, कैसे इसमें दर्शाते हैं, कैसे आंकते हैं कि कितना विनाशकारी है ये भूकंप? हाँ देखिए, रिक्टर स्केल मतलब एक ये कोई फिजिकल स्केल नहीं है, ये एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सूत्र होता है जिसमें हम एम्पलीट्यूड नापते हैं, जो सेस्मोग्राम होता है जो रिकॉर्ड होता है उसका एम्पलीट्यूड नापते हैं और पीरियड नापते हैं, और फिर उसका जो डेल्टा बोलते हैं उसको पी और एस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जो पीरियड होता है उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसकी कितनी है, तो उसके हिसाब से फिर फॉर्मूले में रख के उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, जो कि रिक्टर ने 1935 में इसको इन्वेंशन किया था। बिल्कुल गौतम साहब, ये भुज में जो भूकंप आया था 10-12 साल पहले, जो भुज में जो भूकंप आया था उसमें जो तबाही मची थी और उसमें जो 2001 की जो बात है वो 12-13 साल पहले, तो आप 2001 में आया था 26 जनवरी। हाँ बिल्कुल, आप उस तबाही को और नेपाल की तबाही से अगर आप कंपेयर करें, आपको कौन सा बड़ा था तबाही के हिसाब से अगर कहें तो? भुज में जो विनाशकारी भूकंप आया था और नेपाल में अभी जो विनाशकारी भूकंप आया है, आपको क्या लगता है कौन सा भूकंप जो है? देखिए बिल्कुल, ये देखिए भुज का जो था उसका मैग्नीट्यूड था 7.7,
और इसका 7.9, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है ये। बिल्कुल, हम आपको भुज की तस्वीर भी दिखाएंगे, हमारे पास भुज की भी तस्वीरें हैं, वो भी हम अपने पीसीआर को कहेंगे भुज की तस्वीर भी दिखाएं हमारे दर्शकों की, जब उस समय तबाही हुई थी उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। फिलहाल हम गौतम साहब ये जानना चाहेंगे, जो जिस तरीके से लोगों को टिप्स तो दिए जाते हैं एक्सपर्ट से, लोग अपने आप भी इंटरनेट आज हो गया है, इंटरनेट के जरिए भी लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेकिन जब हादसा उनके आंखों के सामने होता है उस समय वो भूल जाते हैं, उस समय उन्हें याद नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या ऐसी भी कोई टिप्स है कि आदमी को टिप्स याद रहे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे लोगों को जहां अर्थक्वेक प्रोन एरिया ज्यादा है, जैसे मैंने बताया जोन 4 और जोन 5 में, तो लोगों को अपने घर में कम से कम फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, कुछ खाने के सूखी चीजें रखनी चाहिए, जिससे कि आपको बाहर अगर एक दो दिन रहना पड़ सकता है, जैसे कि बड़े अर्थक्वेक के केस में आपने नियर बाई रीजन्स में देखा होगा कि बिल्डिंगों में दरारें आ जाती हैं, बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, तो उसमें आप रह नहीं सकते, तो आपको जब तक वो सेटल डाउन ना हो जाए आफ्टर शॉक, तो आपको बाहर रहना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको ये चीजें की जरूरत होती है। और जैसे कि छोटी मोटी चोट लग जाए या कुछ इस तरह के चीजें हो जाए, तो उसमें आपको फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत होती है, तो वो जरूरी आपको रखना चाहिए। जी जी गौतम साहब, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, क्या भूकंप जब आता है तो क्या इसका कारण, क्या भौगोलिक स्थिति पर, जो इलाके की जो एरिया होता है उसके भौगोलिक स्थिति पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, जी जैसे हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, उसके नीचे जा रही है, तो ये पूरी हिमालय जो बना था वो भी इसी वजह से बना था कि इसके नीचे गई ऊपर से वो उठ गई यूरेशियन प्लेट। तो इस बाउंड्री में आप देखते होंगे, मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा, उसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जी बिल्कुल। तो गौतम साहब हमारे साथ एक और भूकंप एक्सपर्ट विपुल आहूजा भी जुड़ गए हैं। आहूजा साहब स्वागत है वंदे मातरम में आपका। हेलो। हाँ आहूजा साहब, आवाज मिल पा रही है तो आप मुझे बताएं कि क्या, जिस तरीके से हम तो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमने चर्चा कर लिया, एक चीज जो बचा हुआ जो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या भूकंप के मैनमेड रीजन भी हो सकते हैं, क्या व्यक्ति के कारण, क्या पर्यावरण से जो छेड़छाड़ हम लोग कर रहे हैं या पर्यावरण से जिस तरीके से हम लापरवाही बरत रहे हैं उसके कारण भी भूकंप आ सकता है? नहीं, एक्चुअली में लापरवाही तो यही है कि अभी जो इंडिया में जो भूकंप आते हैं उसमें हम लोगों ने अभी जो लापरवाही जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी अर्थक्वेक प्रोन नहीं बनाया सिस्टम। एक्चुअली हमारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल उस लायक नहीं, बेसिकली बहुत ही अडोब स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्सिमम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, ये लापरवाही हम लोग अभी कर रहे हैं। बिल्कुल आहूजा साहब, हमारे पास समय की कमी है, आपको हमारे साथ इस वंदे मातरम प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम वापस चलेंगे जेएन गौतम जी के पास। गौतम जी, क्या आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों से हम बात करें, गौतम जी कुछ बताना चाह रहे हैं हमें, अपने दर्शकों को? गौतम जी। हाँ, ये देखिए जो जोन 5 है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये अर्थक्वेक 5 से ऊपर के हैं 2011 जून तक, तो 1505 से लेके हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। तो ये देखिए, यहाँ वो सुमात्रा का 9.3 अर्थक्वेक आया था जिससे सुनामी आई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इलाका पूरा अर्थक्वेक से भरा हुआ है, और यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट और पूरा हिमालय, और वो ये देखिए हिंदू कुश रीजन है जो जेएनके के बहुत नजदीक है, इधर कच्छ रीजन है, तो ये पूरा एरिया अर्थक्वेक से भरा हुआ है, जबकि पेनिनसुलर इंडिया जो है उसमें कम आते हैं, जो कि जोन 3 और जोन 2 में है। बिल्कुल, मतलब जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत प्रोन एरिया है। बिल्कुल, दक्षिण भारत आप कहें जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं जो सुरक्षित जोन कहा जा सकता है भूकंप से, और खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में इसके ज्यादा पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आप अगर तुलनात्मक दृष्टि से कम कंपेरिजन अगर, हाँ बिल्कुल, हाँ वो कम भूकंप आते हैं, बिल्कुल लेस डेंजर आप कह सकते हैं जोन है, जहां पर कम भूकंप की संभावना, जहां पर कम होती है। बिल्कुल, धन्यवाद गौतम साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमारे पास समय की कमी है, और हमारे जितने भी दर्शक और जितने भी मेहमान हमारे साथ इस वंदे मातरम प्रोग्राम में जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम आज वंदे मातरम में विदा लेते हैं आपसे, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। We'll be right back.
राहुल गांधी इन दिनों केदारनाथ पहुंचे हैं। देश भर में चर्चा है कि राहुल गांधी के केदारनाथ जाने पर भगवान शिव नाराज हो गए और पूरे देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस पर देर न करते हुए राहुल बाबा ने कहा, ये विपक्ष की चाल है। एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष शर्मा एसीपी ने कहा, दया देखो और सीखो कि एक्टिंग कैसे करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा कि करप्शन का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो करप्शन की बारिश में गीला है। पॉलिटिक्स के नाम पर करते सभी अब भ्रष्ट लीला है। तभी बाबा रामदेव ने कहा, और हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। ओबामा लालू से, लालू तुझे स्विमिंग आती है? लालू, ना। ओबामा, शिट, तेरे से तो खोता अच्छा है जो स्विम कर लेता है। लालू, तुमको आता है स्विमिंग? वा ओबामा, या ऑफ कोर्स आता है। लालू, ससुरा फिर तोहरे और कुत्ता में फर्क का है बे। खिसक गई जमीन, फट गई धरती, गिर गया आसमान, भूकंप के झटके से तबाह हो गई जिंदगी। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं।